Hello everyone, this is Saurabh Kumar. I am teaching physics since last 12 years. तो मैं आपको आज नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव वे से कैसे तैयारी की जाए उसके बारे में बताऊंगा. लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर एस के सिंह जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनके थ्रू मैं आपको उनके चैनल के थ्रू मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव चीज यहाँ पे बताऊंगा. तो सारी वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं ये आपके कैरियर को बिल्कुल बदल के रख देगा. ये जस्ट लाइक ए मिरेकल चेंज होगा आपकी लाइफ के लिए. आपने अभी तक ये सोचा भी नहीं होगा कि नीट की तैयारी कैसे की जाए और इसके लिए क्या प्लान किया जाए. तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ टू दी पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा जो कि अभी तक आपने उस चीज पर फोकस नहीं किया होगा, क्योंकि समय कम है और इस कम समय में ही आपको बहुत सारी चीजें करनी है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगभग 12 to 13 lakh स्टूडेंट्स पर साल पर ईयर वो आते हैं, पेपर देते हैं, चले जाते हैं. लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन सिर्फ उसका होता है जो खुद अपने आप पर ट्रस्ट करता है, जो एक मिशन को लेकर चलता है. तो आपको भी एक मिशन को लेकर चलना है और जो मैं बता रहा हूं उस चीज को फॉलो करना है. तो फिर मैं आपके साथ अभी आपको जो चीज शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ, उस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनोगे आप और इस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे. सबसे पहली चीज, बच्चे ये पूछते हैं कि सर बुक कौन सी यूज करें. बहुत सारी बुक है मार्केट में, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं मार्केट में, इतनी बुक्स है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बुक है इसमें आप एनसीईआरटी को सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखें, क्योंकि एनसीईआरटी आप कहीं भी बहुत ही ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में चले जाओ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट का, लेकिन बच्चे को मैं ये भी बताऊंगा कि किसी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट किसी का सिलेक्शन नहीं कराता. सिलेक्शन कराते हैं तो आप खुद अपनी सेल्फ स्टडी, और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तो कभी भी आप लिए रिटर्न लिख लो कि आपकी सिलेक्शन हो ही नहीं सकती. तो आप उस ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में आप जाके बोलो कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है, तो आप भी फील करोगे कि यार मैंने क्या बोल दिया. और अगला तो बोलेगा कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ है, ये एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हो आपने कितने एक्सपर्ट्स की अगर व्यू देखी होगी यूट्यूब पे, जितने सारे चैनल्स देखे होंगे, और जो भी डॉक्टर्स आज के डेट में हैं उनसे पूछो एक बार कि क्या है एनसीईआरटी का इफेक्ट, क्या है, क्या एनसीईआरटी का इन्फ्लुएंस, क्या है उसकी फीचर्स, क्या है. ये वही एनसीईआरटी है जिसने इन लोगों को डॉक्टर्स बना दिया. हाँ ठीक है, कुछ हेल्पिंग बुक चाहिए हमें, कुछ रेफरेंस बुक चाहिए. तो रेफरेंस बुक में आप डीसी पांडे की बुक आती है. थोड़ा और अच्छा अगर आप करना चाहते हो, बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो आप नीट में, एस सी वर्मा की बुक आती है, आप इस बुक को स्टडी कर सकते हो. और उसके बाद मैं किसी भी बुक का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 10 ईयर्स की नीट की पैकेजेस बना लो, 10 ईयर्स के पेपर जो है उसको सॉल्व करो, और ये 10 ईयर्स के पेपर जो है आप रेगुलर सॉल्व करो. ये नहीं कि आप आज कर रहे हो फिर कल नहीं कर रहे, कल कर रहे हो फिर परसों नहीं कर रहे, ठीक है. तो इस पर आपको ध्यान देना है. अच्छा आप, मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ कि नीट की स्टडी तो कर रहे हो आप, तो मुझे ये बता दो कि कितने क्वेश्चंस, कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स को पढ़ना पड़ता है नीट की स्टडी के लिए. एक मिनट के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाओगे क्योंकि आपको पता नहीं है. तो मैं आपको बताऊं कि 97 चैप्टर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों को मिला के, 97 चैप्टर की आपको स्टडी करनी है. जी हाँ, जिसमें 29 चैप्टर तो सिर्फ फिजिक्स के हैं, 30 चैप्टर्स केमिस्ट्री के आते हैं आपके, और रेस्ट 30 चैप्टर्स जो हैं आपके किसके हैं, बायो के. तो चलिए, ये चैप्टर के बारे में तो आपको आज मैंने बता दिया, आपके नॉलेज में हो गया. अब जैसे कि आप लोगों ने, आप लोग कैसे स्टडी करोगे इसके बारे में मैं बताऊं. जैसे कि आपने मूवी देखी, ठीक है, आपने मूवी देखी, 3 Idiots मूवी देखी, आपको याद हो गया, सारा डायलॉग याद हो गया, किसने में किसने क्या बोला, और उसकी वो जितने भी ऐसे स्टेप्स थे, जो भी ऐसे कट्स थे, वो सारे आपने देखे, बहुत अच्छा लगा. एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देख लिया, सारे ही डायलॉग्स याद हो गए.
तो मैं आपको यहां पे बताता हूं कि नीट के भी प्रिपरेशन के लिए एक अलग सी डायलॉग आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। वो स्क्रिप्ट है आपकी पर्सनल नोटबुक। अब जो भी न्यूमेरिकल्स बनाते हो उससे रिलेटेड एक फॉर्मूले के लिए नोटबुक बनाओ, और वो फॉर्मूले की नोटबुक आप डेली अर्ली मॉर्निंग, जैसे डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ना, उस तरह से डेली मॉर्निंग आप उस पूरी फॉर्मूले की लिस्ट को स्टार्ट टू एंड तक आप पूरा रीड करो डेली। लर्न मत करना, रीड करना, और उससे रिलेटेड दो तीन न्यूमेरिकल्स आप डेली अटेम्प्ट करो। ये आपकी जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ क्वेश्चन है, जो कि नीट में आजकल नीट में क्या होता है कि जो जनरल भी बच्चे जाते हैं ना, तो 12-15 क्वेश्चन तो करके आते हैं, लेकिन मैं परफेक्ट आपकी गारंटी लेता हूं कि आप 30-35 प्लस करके आओगे। लेकिन इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर लेना। अब थोड़ी सी बात आती है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 45 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में, 45 क्वेश्चन के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन 40 तक तो अटेम्प्ट किया जा सकता है। उसके लिए आपको मैंने इसलिए एससी वर्मा की बुक का नाम बताया। जी हाँ, एससी वर्मा की बुक आपको बहुत ही इफेक्टिव होगी अगर आप उसमें थोड़ा सा और अपने नंबर स्कोर को और थोड़ा बिल्डअप करना चाहते हो और इंक्रीज करना चाहते हो, तो एससी वर्मा की बुक आपको बहुत सपोर्ट करेगी। ठीक है, अब इसी तरह से आप डेली, जैसे आप कुछ क्वेश्चन बनाया आपने, हर एक फॉर्मूले पे दो क्वेश्चन बनाते आपने कंप्लीटली अच्छे खासे क्वेश्चंस आपने बना लिए। जैसे जैसे फॉर्मूला आपका इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज आपके नोटबुक में इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे आपकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हैं उससे रिलेटेड वो भी इंक्रीज करते चले जाएंगे। और इसको लेकिन डेली मेंटेन करना है आपको। ठीक है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, आप कोई रिसर्च नहीं कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप रिसर्च नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि आप ऐसा नहीं कि कोई दो तीन टफ क्वेश्चन खोज लिया और टीचर के पास चले गए और ये दिखाया कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, अब मैं टफ क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं। आपको नीट में सिलेक्शन होना है, आपको रिसर्च नहीं करना, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, नीट में सिलेक्शन होना है। अगर आपने ये छोटी छोटी 3-4 क्वेश्चन को लेके जा रहे हो और पूरे दिन वेस्ट कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक इट्स ए वेरी गुड थिंग। आप अपने कैरियर को स्पॉइल करने जा रहे हो। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स को देखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे, स्टूडेंट्स लेके आते हैं सर क्वेश्चन ऐसे ऐसे बता दो, टीचर इतनी गंदी तरह से डांट देता है, और सही डांटता है, मैं वहां पर इसको एग्री करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन क्यों आप पढ़ोगे जो शायद 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए पूरे दिन आप वेस्ट कर रहे हो। अरे यार, उस क्वेश्चन पे जाओ ना जो क्वेश्चन आपको स्कोर करा रहा है, जो क्वेश्चन आपको सिलेक्शन करा रहा है। 1-2 IIT लेवल के क्वेश्चन बना के आप क्योंकि क्या करना है, आपको नीट करना है, IIT नहीं करना। ठीक है, तो आपको टीचर के पास ज्यादा जाके इस तरह की चीजों में नहीं पढ़ना है। आपको जैसे मैंने जैसे बताया कि 10 ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं, वो डेली करने हैं, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब सवाल आती है कि अगर सारी बातों को अगर आप फॉलो करते हो, जितना भी मैंने बताया नॉर्मल रूटीन्स हैं, ये नॉर्मल रूटीन्स में जैसे कि फिजिक्स तो सिर्फ एक तरह का डर है, क्योंकि फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री की तरह ही एक सब्जेक्ट है, ये कुछ सेपरेट नहीं है। बायो में आप बहुत इंटरेस्ट लेते हो, ये आपका पर्सनल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्ट लेते हो, बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री भी हो जाता है, केमिस्ट्री में भी आप 30 तक स्कोर कर लेते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि फिजिक्स में अगर आप स्कोर नहीं करोगे तो सिलेक्शन भी होना मुश्किल हो जाएगा। तो फिजिक्स को भी आप उसी तरह से लो जिस तरह से बायो और केमिस्ट्री को आप ले रहे हो, और आप उस वे में आगे चलो, रेगुलर रूटीन को मेंटेन करो, एक मिशन लेके चलो। मैं गारंटी देता हूं कि आप इस चीज में कहीं पे भी फ्लॉप नहीं करोगे, और आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगी आपकी। मैं इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजों को मैं जानता हूं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे डॉक्टर एस के सिंह, और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको मैंने इस तरह की जो एक पॉजिटिव चीज मैंने इनको बताई है, गाइडलाइन बताया है, और उनका सिलेक्शन हुआ है, अच्छी अच्छी जगहों पर सिलेक्शन हुआ है, यहां तक कि गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले हैं उनको। तो आप भी ऐसे ही रास्ते पे चलो जिसमें कि आपको आपकी सिलेक्शन हो जाए, आपका नीट में एक अच्छा पोजिशन मिल जाए, आप डॉक्टर बन जाओ। इस पे मत जाओ कि आपको कुछ रिसर्च फील्ड में जाना है, कोई बहुत बड़ा काम करना है, बहुत सारे मटेरियल्स को स्टडी करना है, नहीं, बिल्कुल स्टडी एक टू द पॉइंट करो। ठीक है, और मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको,
और मेरे अगले वीडियो में आप देखोगे कि मैं उसमें मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा कि फिजिक्स की स्टडी को कैसे की जाए। मैं तो आज सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि स्टडी कैसे की जाए, टू द पॉइंट स्टडी की जाए। ओके तो ओके, थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारी डिटेल्स में बताऊंगा, और जो कि बहुत इफेक्टिव होगी, गारंटी आप सेलेक्ट भी होगे। थैंक यू।